सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए। मतलब बारिश इतनी खतरनाक लग रही ना आजकल भाई, दो तीन दिन रेगुलर, मतलब दो तीन दिन, एक हफ्ता हो गया भाई बारिश को ना, एक हफ्ता हो गया और बारिश लगी जा रही और इतनी तेज़ वाली लग रही है ना, मतलब रुकने का टाइम ही नहीं ले रही है। अभी थोड़ी देर रुकी हुई है, बाकी रास्ते में ना भिगो दे मुझे। तो भाई मैं अभी हूँ सल्ला में। भाई मौसम काफ़ी लाजवाब भी हो रहा है, पर जो सड़कें हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि मिट्टी जो है ना इधर उधर से सारा सड़क में जमा हो जा रहा है पूरा, पूरे अच्छी तरीके से। मतलब ये देखो भाई, जगह जगह पे ना मिट्टी मिट्टी है। ओ शेरू जी, कहाँ से आगे आ रहे हो भाई? जब तक का धूप नहीं आती ना, तब तक का ये सड़क ऐसी की ऐसी रहने वाली है, और मुझे लगता नहीं है कि अभी से धूप आएगी। ओ भाई, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया, तो ज़्यादा टप पड़ गया मुझे। अभी आगे तो और भी ख़तरनाक सा सीन हुआ होगा, पर इसमें ना थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, वरना बाइक ऐसे फिसलती है ना भाई, कचार मचार अलग लगेगा, टूट फूट अलग होगी। यहाँ पे तो फिर भी ठीक है भाई, अगर हमारे उधर को ना अगर बारिश ऐसी हुई होगी जैसी यहाँ हुई है, तो भाई वहाँ पे तो पक्का लैंडस्लाइड बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ना भाई पहाड़ी है काफ़ी बड़ी बड़ी। यहाँ पे देखो खेती खेत है, तो खेतों के बीच से सड़क जाती है, यहाँ पे ना उतना वो नहीं होता, लैंडस्लाइड नहीं होता। अगर ऐसी बारिश हुई होगी ना, तो भाई वहाँ पे ना पक्का ख़तरनाक वाला लैंडस्लाइड हुआ होगा। बाकी मैं कैसे कैसे निकाल रहा हूँ बाइक को भाई, बहुत टप पड़ता रहा। ओ भाई कई सीन हो रहा है गाइस, आपको भी मज़ा आ रहा होगा ना इसमें। भाई मेरी फट रही है चलाने में, क्योंकि फिसलने का कुछ ज़्यादा डर है ना इसमें, ये देख रहे हो। यहाँ पे फिर वैसी सड़क आ गई है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिट्टी है अभी, ये देखो यहाँ पे दो दो जगह पे मिट्टी मिट्टी। यहाँ पे एक तो गधेरा भी है ना, तो भाई यहाँ पे कलमट भी खोदा हुआ है, फिर भी बाहर आ रही है मिट्टी। बाकी मैं निकाल लूँ यहाँ से यार बस। ओ और एक चीज़ सही हुआ ना कि भाई, वरना बारिश में ना लाइट चली जाती है, तो लाइट नहीं गई। वैसे तो मैं अब की बार अपने साथ अपना पावर बैंक भी लेके आया था, अगर लाइट चली भी जाती तो। खैर उसमें चार्जर था ही मेरा, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, पर लाइट नहीं गई। अगर मैं नहीं लेके आया होता ना उसको, तो पक्का लाइट चली जाती। ये देख रहे हो यहाँ पर कैसा है भाई साहब, फुल ऑफ रोडिंग है भाई, बस ऊपर से ना कोई पहाड़ ना गिरे। वैसे इधर को तो कोई डर नहीं है, हमारे उधर को ही मेरे को एक ही जगह पे डर लग रहा ले जाते समय, क्योंकि वहाँ जो डाउन है ना गधेरे में, वो काफ़ी ज़्यादा टफ है भाई। वो तो ना धूप में तक का वहाँ पे गाड़ी फिसलती है। अभी तो मिट्टी ऐसी हो रही होगी ना भाई, बहुत ख़तरनाक हो रही होगी, वहाँ पर गीली गीली हो रखी होगी, तो वहाँ पर थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा मुझे। ज़्यादा नीचे भी नहीं ले जा सकता बाइक, बीच बीच में चलता हूँ, क्योंकि होता क्या है ज़्यादा बारिश में ना, ये ज़मीन जो है ना ढीली पड़ जाती है, और थोड़ा सा वेट के चलते ये सीधे नीचे को चली जाती है भाई, गिर भी जाती है। बाकी भाई लोग जंगलों में रह रहे हैं ऐसे देखो, और इतने ख़तरनाक बारिश और ख़तरनाक आदि तूफान चल रहा है, उसमें जंगलों में रह जा रहे हैं भाई लोग। भाई आजकल फल फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, नाशपाती वगैरह 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 बहुत कुछ हो रखा है, नाशपाती सेब वगैरह ना, तो ये चीज़ तो मैंने आपकी बार चेक नहीं करी। बाकी ये बैल डर रहा भाई, अभी पीछा भी करते हैं। न्यूट्रल है नीचे को, पर मैं न्यूट्रल नहीं मारूंगा आज, क्योंकि ना भाई सड़क ख़राब है यहाँ पे ना, कुछ ज़्यादा ख़राब हो रखी होगी सड़क आज, कल से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी होगी, क्योंकि बारिश बहुत ख़तरनाक वाली लग रही है भाई, बहुत तगड़ी वाली बारिश लग रही है, तो उस वजह से ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी होगी यहाँ पर। ये देखो, अरे वाह यार, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रखी है भाई, क्योंकि ये जेसीबी ने ना मिट्टी हटा रखी है, तो भाई यहाँ पर ना, यहाँ पर सही कर रखा है भाई। कहाँ जाना है अम्मा? तो जुड़ का फोन, बैठो बैठो। हाँ, अच्छा, कि यहाँ वो डॉक्टर कहाँ से यहाँ? अरे वो जो बंगाल वाले डॉक्टर छो, तो अच्छा, हाँ, तो आमा वो डॉक्टर तो घर जरूर कौन अच्छी बेमी हूँ हो। हाँ बेमी फोन करो छी, वरना देख लो कि पता गो जाने, देख लियो अगर आगो छो, कोई ना इतनी तो देख लियो, कोई ना एलमी नैनी हाल बे मुकोट बे साऊ में सितला खेत हो।
क्या गो बुबको बुबको क्या रहो? ओह रे, अच्छा, जागर लगा है। अच्छा, तब तो कोई ठीक है, चल। हाँ, मैं बंदा है रहो। वहाँ के धामोस में बंदा रहो। अच्छा, इन्हों पत्ते करवा लियो। डॉक्टर कब आने वाले हैं? गाइस, हम पहुँच चुके भाई खूंट में, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई मौसम ना सही है, बारिश तो नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक बारिश नहीं होनी चाहिए। बाकी व्यू देखो, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, और राइड करने में इधर को सही है। देखो भाई, इधर को ना उतनी जो कीचड़ वीचड़ है ना, उतना कीचड़ वीचड़ नहीं हो रखा है यहाँ पे भाई। यहाँ पे कुछ सही है, बादलों की वजह से ना सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे भाई, उनकी वजह से ना, बादलों की वजह से भाई छुपे पड़े हैं। बारिश ने बंद हो जाना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए इसको ना, लगातार लगती जा रही है भाई, तो मज़ा सा नहीं आ रहा है। फिर ना बारिश भी खतरनाक ही हो जा रही है, इतनी बारिश भी नहीं चाहिए ना भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रही है भाई। कई नेक्स्ट लेवल वाला मौसम है यार, और सामने उन पहाड़ियों में, उन खेतों में ना हरी भरी घास कुछ ज़्यादा हो गई है, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। सो गाइस, चाड़ बैंड से मैं निकल गया हूँ। गाइस यहाँ पे देखो भाई, पानी कब से जमा पड़ा हुआ है, पर ऐसा ही है यार। इसका सीन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर कहीं से होता ना तो मैं निकाल देता इसको, पर ये वैसे ही ख़राब रहेगा भाई, क्योंकि वहाँ पे ना गड्ढा टाइप का है, जो पुल है ना नीचे को कुछ ज़्यादा झुकी हुई है, तो उसका पानी जा नहीं सकता भाई, वो अपने आप ही सूखेगा तो ही सूख सकता है भाई साहब। क्या ही वेदर है यार। तो गाइस यार, हम पहुंच चुके भाई भीमगढ़। सो गाइस, मैं पहुंच चुका भाई रोंडल। हमारे उधर को ना भाई काफी तगड़े तगड़े पहाड़ हैं, जो कि मतलब बारिश में ना नीचे सड़क को भी नीचे डाल देते हैं, पता ही नहीं चलता सड़क का कि भाई सड़क कहाँ थी करके, ऐसा सीन हो जाता है वहाँ। तो गाइस, मैं पहुँच चुका भाई गांव के पास में। बाकी व्यू देखो, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। बाकी मौसम भी ख़राब हो रहा है, धूप आई नहीं है। तो भाई रास्ता तो काफ़ी सही रहा, यहाँ पे ना ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, वरना ना लैंडस्लाइड तो पक्का बनता है यहाँ पे भाई। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़राब हो रखी भाई सड़क। ओ भाई, तो मैं यहीं पे बाइक लगाऊंगा, वरना ना बच्चे कुछ ना कुछ छेड़ ही दे रहे हैं। पता नहीं परसों बाइक किसने फेंक दी थी भाई नीचे, तो बड़ा दुख हुआ था मुझे, और यहाँ पे लोगों भी निकाल दिया था। तो पहुँच चुके भाई घर। ये देखो, धूप आ गई मेरे पहुँचते ही भाई, नेक्स्ट लेवल वाली। तो होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।